हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और दोस्तों, हम फिर से आपके लिए बहुत अच्छी वीडियो लेके आए हैं जो कि है बाइनरी सबट्रैक्शन के ऊपर। और दोस्तों, आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि इसके अंदर हम आपको बाइनरी सबट्रैक्शन इतने इजी तरीके से समझाने वाले हैं कि शायद ही आपको पहले पता होगा। जो भी आपके कन्फ्यूजन है वो आज सब दूर हो जाएंगे। ऐसी वीडियो आज तक आपने यूट्यूब पर नहीं देखी होगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अपने यूट्यूब पर जाएं और यहाँ पर रोहित स्पेस सानू स्पेस नेटवर्किंग को सर्च करें और हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें ताकि दोस्तों हमारी लेटेस्ट वीडियो आपके पास तक सबसे पहले पहुंचे और आप अपनी नॉलेज को इंक्रीज कर सकें। तो दोस्तों, इससे पहले मैंने जो है एक बाइनरी एडिशन और उससे पहले जो है दोस्तों मैंने एक जो है आपके लिए बाइनरी टू डेसिमल की वीडियो बनाई है जिसके अंदर मैंने एक न्यू फॉर्मूले का यूज किया है। दोस्तों, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज 2-3 मिनट की वीडियो है कि बाइनरी को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे नए फॉर्मूले के साथ, आप पहले उसे जाके देखें। उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो शायद आपके सारे जितने भी डाउट्स हैं वो दोस्तों आज क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि दोस्तों अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाते हैं और आपके पास मोबाइल या कैलकुलेटर या इंटरनेट नहीं है तो आप अपने आंसर को वेरीफाई कैसे करेंगे, उसका भी मैं आपको आज इलाज बताने वाला हूं। आप उसको दोस्तों आंख बंद करके क्वेश्चन कीजिए, आपका जो आंसर है ना दोस्तों रॉन्ग होने ही नहीं वाला है। शायद ही कोई यूट्यूब पर ऐसी वीडियो होगी जो इस तरीके से आपको समझाता होगा या आज समझाएगा। तो दोस्तों, यहां पर मैं आपको बता देने वाला हूं कि यहां पर जो हम फॉर्मूले का यूज करेंगे वो हमारा जो फॉर्मूला है 8-बिट का फॉर्मूला है। आप उसको 10, 12, 16, 20 बिट में भी चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमारा फॉर्मूला क्या है? हमारा फॉर्मूला है यहां पर कि हमारी जो फर्स्ट डिजिट की यहां पर वैल्यू हम मानेंगे 1, उसके बाद दोस्तों हमने माना 2, फिर दोस्तों हमने माना 4, उसके बाद दोस्तों हमने माना यहां पर 8, फिर दोस्तों हमने माना यहां पर 16, उसके बाद दोस्तों हमने माना यहां पर 32, 3 तरह थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, यहाँ पर हमने माना दोस्तों 32, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आ गया आपका 64 और यहाँ पर फिर दोस्तों हमारे पास आ गया 128 फाइनली। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देखेंगे जी, यहाँ पर आपकी टोटल ये मैंने 8 बिट लिखे हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। और दोस्तों, इसका यही फॉर्मूला है, कोई भी यूट्यूबर जल्दी से आपको बता के नहीं देता है, लेकिन जो इसका रियल फॉर्मूला है ना वो यही है। तो दोस्तों, यहाँ पर आपने करना क्या है, इसको अगर ये फॉर्मूला आपने सीख लिया तो बेसिकली दोस्तों जब हम लोग नेटवर्किंग में आईपी एड्रेस को पढ़ाते हैं तो वहां पर इस फॉर्मूले का हम लोग यूज करते हैं बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए। अगर दोस्तों आपने इस फॉर्मूले का यूज सीख लिया तो आपके लिए किसी भी कैलकुलेटर की जरूरत नहीं पड़ेगी क्वेश्चन को वेरीफाई करने के लिए, आंसर को वेरीफाई करने के लिए। अब दोस्तों, आपने करना क्या है भाई, सब्ट्रैक्शन है, माइनस है, सबको पता है जी भाई सब्ट्रैक्शन का जो मतलब है वो माइनस होता है। तो माइनस कैसे करेंगे, तो आपको पता है यार 8 में से 2 गए तो आपको पता है 6 बचेंगे, 10 में से 2 गए तो आपको पता है 8 बचेंगे। लेकिन दोस्तों, यहाँ 0 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा और 1 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा, ये कैसे पता चलेगा? तो दोस्तों, इसके लिए जो है वो थोड़े से यहाँ पर फॉर्मूले दिए गए हैं जो आपको याद करने होंगे जी भाई। 0 में से अगर 0 जाता है तो यहाँ पर आपका 0 बचता है, अगर 1 में से 0 जाता है तो दोस्तों 1 आता है, 1 में से 1 जाता है तो दोस्तों 0 आता है, और अगर दोस्तों 0 में से 1 जाएगा तो आपका 1 आएगा, लेकिन आपको 1 जो है वो बोरो करना पड़ेगा, बोरो मतलब पड़ोसी से उधार लेना पड़ेगा, उसके बाद ही आप 0 में से 1 को जो है सॉल्व कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, इस फॉर्मूले को मैं आपको इम्प्लीमेंट करके दिखाता हूँ और ये सभी के लिए सेम होते हैं, आप एग्जाम में आपको इन्हीं का यूज करना होता है। तो दोस्तों, सबसे पहले जो है ना हम ये देख लेते हैं जी यार, अगर ये मेरे पास एक बाइनरी नंबर है तो इसका डेसिमल क्या होगा है? तो दोस्तों, इसका डेसिमल आप कैसे निकालेंगे, आपको कुछ नहीं करना है, इस नंबर को उठा के यहाँ पर रख देना है और दोस्तों उसके बाद आपका डेसिमल इतना आराम से आ जाएगा कि आप सोच भी नहीं सकते। तो दोस्तों, करना क्या है जी, राइट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे तो फर्स्ट डिजिट हमारी 0 है, तो दोस्तों यहाँ पर फर्स्ट के नीचे जो 1 है इसके नीचे 0 आ जाएगा। मैं दूसरा कलर ले लेता हूं तो यहां पर जो है दोस्तों 0 आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों फिर हमारे पास यहां पर 1 है तो 2 के नीचे हमारा 1 आ जाएगा। फिर दोस्तों थर्ड में हमारा 1 है तो यहां पर 4 के नीचे 1 आ जाएगा। फिर दोस्तों हमारा फोर्थ में 1 है तो 8 के नीचे 1 आ जाएगा। अब दोस्तों, यहां पर आपने करना क्या है कि जिन जिन के नीचे 1 है उन्हें आपस में सम कर देना है और जिसके नीचे 0 है उसे छोड़ देना है। सॉरी। तो यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे जी, 8 के नीचे 1 है, 4 के नीचे 1 है और 2 के नीचे 1 है, तो दोस्तों सम करके कितना आ जाएगा, 8 + 4 = 12 + 2 = 14। तो दोस्तों यहाँ पर आ गया हमारा 14। तो दोस्तों यहाँ पर जो इसका जो मतलब यहाँ पर निकल के आया है वो आता है 14 14, और इसका बेस हो गया 10। ये डेसिमल में हमने देखो दोस्तों 1 सेकेंड में कन्वर्ट कर दिया।
दूसरा दोस्तों हमारे पास यहाँ पर नीचे वाला नंबर है कि भाई वन, पहले डिजिट हमारा वन है तो राइट हैंड साइड से स्टार्ट कर रहे हैं, वन फिर वन फिर दोस्तों जीरो और जीरो। तो दोस्तों इस बार टू के नीचे वन है और वन के नीचे वन है, तो दोस्तों इसका मतलब हो गया थ्री, तो यहाँ पर आ गया थ्री। तो दोस्तों यहाँ पर जो इसका आंसर आया डेसिमल में वो कितना दोस्तों आया, थ्री। अब चलो दोस्तों इसे सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करना देखो दोस्तों कितना आसान है। और दोस्तों अगर 14 में से 3 जाएंगे तो 11 आने चाहिए ना, तो दोस्तों यहां पर अगर मेरा आंसर और उसका जो मतलब अगर 11 निकल के आया तो मेरा आंसर ठीक है, वरना तो फिर मेरा आंसर रॉन्ग है। चलो इससे पहले मैं आपको वेरीफाई करके दिखा देता हूं कि क्या इस बाइनरी का नंबर जो है वो डेसिमल में 14 ही होगा या नहीं होगा। तो उसके लिए मैं विंडोज कैलकुलेटर पर जाता हूं, बड़ा सिंपल सा है, और यहां पर आप स्टैंडर्ड को प्रोग्रामर पर सेट कर लेंगे। उसके बाद हमारा जो बाइनरी नंबर है वो है 1110, तो हमने लिखा दोस्तों 1110। और दोस्तों देखो इसका डेसिमल कितना आया, 14 14, बिल्कुल हमारा सेम है। उसके बाद है दोस्तों 0011, तो दोस्तों फिर हमने अपने क्वेश्चन को लिखा 00, कंप्यूटर लेता नहीं है तो 11 लिया, इसके आगे जो सब जीरो होते हैं। तो दोस्तों इसका जो यहाँ पर डेसिमल आया वो क्या आया आपका, 11 आया। तो यहाँ पर जो है दोस्तों हमारा कितना आ गया, 11 का मतलब हमारा आ गया 3। तो यहाँ पर जो है दोस्तों वो हमारा आया हुआ है 3। अब दोस्तों यहाँ पर हमने करना क्या है, चलो इसे सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों 0 और 1 सॉरी 0 में से अगर 1 आपका सबट्रैक्ट होगा माइनस होगा तो दोस्तों यहां पर देखो क्या लिखा हुआ है, 0 में से 1 जो है वो 1 आएगा, लेकिन पड़ोसी से आपको जो है वो कैरी लेना पड़ेगा। तो दोस्तों हमने क्या किया, इस यहां पर तो हमारा 1 आ गया, लेकिन दोस्तों हमने यहां से जो है वो कैरी लिया था। कैसे कैरी लिया था वो मैं आपको दिखाता हूं, यहां पर 1 कैसे आया। तो दोस्तों हमने ये कह रहा है जी बोरो करो, तो बोरो किया मतलब उधार लो, तो हमने दोस्तों यहां से जो 1 है वो यहां पर लेके आ गए, तो यहां पर 1 और 0 हो गया। अब जहां से 1 कैरी लिया था वहां पर तो 0 बचा ना, क्योंकि 1 तो कैरी हो गया पड़ोसी के पास चला गया, तो यहां पर दोस्तों 1 और 0 बचा। तो अब दोस्तों इस 1 और 0 का यहां पर जो है वो गेम देखें जी, एक्चुअल में 1 और 0 जो है इसका मतलब होता क्या है, और इसमें से जब आपका जो है 1 जाएगा तो यहां पर 1 कैसे बचेगा। तो दोस्तों 1 और 0 जो है ना ये आपकी टू डिजिट्स हैं, एक 1 है और एक 0 है। तो दोस्तों अगर इन्हें उठा के आप यहां रखेंगे कि भाई ये 0 है और ये 1 है, तो दोस्तों देखो यहां पर आपको बिलीव नहीं होगा कि यहां पर जो 1 है वो किसके नीचे है, 2 के नीचे है। तो दोस्तों इसके जो रियल वैल्यू है, रियल मीन्स है 1 और 0 का, वो दोस्तों 2 है। तो दोस्तों 2 में से अगर 1 जाएगा तो 1 ही तो बचेगा। तो दोस्तों ये आपको ध्यान रखना है कि ये बोरो करने के बाद जो हम माइनस करते हैं उसका जो रियल रीजन है वो ये है कि भाई आपका जो 1 है वो क्यों आता है। कोई भी यूट्यूबर जल्दी से आपको ये फॉर्मूला बता के नहीं देगा, वो आपको ये तो बता देगा कि 1 और 0 का जो रियल वैल्यू है वो 2 है, लेकिन वो 2 होती कैसे है, उसके लिए दोस्तों आपको जो है ना वो इस फॉर्मूले का यूज करना आना चाहिए। तो दोस्तों हमारा यहाँ पर 1 आया, अब यहाँ पर दोस्तों फिर से हमारा जो है वो 0 बच गया। अब दोस्तों यहां पर जो है वो हमारा 0 बचा, तो दोस्तों 0 में से फिर 1 जाएगा तो फिर हमारे पास 1 आएगा, लेकिन हमें बोरो करना पड़ेगा 1 को। तो दोस्तों यहां से हमने फिर से क्या किया, 1 को बोरो किया और यहां पर आ गया, और यहां पर दोस्तों जहां से हमने बोरो किया था वहां पर 0 रह गया। तो दोस्तों यहां पर फिर से 1 और 0 आ गया, तो आप देख रहे हैं जी यहां पर हमारा 0 है ये 1 है, तो इसकी वैल्यू फिर से क्या हो गई, 2 हो गई। तो दोस्तों यहां से जब 2 में से 1 जाएगा तो मेरे पास फिर से क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों अब यहां पर 0 है और नीचे 0 है, तो दोस्तों 0 में से अगर 0 जाएगा तो आप यहां देख सकते हैं जी 0 में से 0 जाएगा तो मेरे पास आंसर 0 आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों फिर आप देख सकते हैं जी भाई यहां पर अब हमारे पास यहां पर क्या है, यहां पर हमारे पास है 1 और यहां पर हमारे पास क्या है दोस्तों, 0 है। तो दोस्तों 1 में से अगर 0 जाएगा तो आप देख सकते हैं जी हमारा आंसर आएगा 1, तो दोस्तों यहां पर हमारा आंसर आ गया 1, ये फॉर्मूला आप यहां पर देख सकते हैं। तो इस तरीके से ये हमारा आंसर यहां पर आ गया। अब दोस्तों हम क्या करेंगे जी, यहां पर जो हमारे पास ये हमारा जो है वो आंसर आया है, अब इसको जो है वो हम यहां पर लिखेंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं जी भाई यहां पर जो है पहली जो हमारी डिजिट्स है आंसर की वो है 1, तो हम 1 के नीचे 1 लिखेंगे। फिर हमारे पास दोस्तों दूसरी है 1, फिर हमने 1 लिखा। फिर हमारे पास 0 है तो 4 के नीचे 0 आ गया, और फिर हमारे पास 1 है तो हमारे 8 के नीचे 1 आ गया। तो दोस्तों यहां पर जिन जिन के नीचे 1 है उन्हें आपको आपस में सम कर देना है। तो दोस्तों 8 के नीचे 1 है, 2 के नीचे 1 है और 1 के नीचे 1 है, तो दोस्तों 8 और 2 10 और 1 11, तो यहां पर हमारा आंसर आ गया 11। तो दोस्तों यहां पर जो हमारा आंसर आया वो कितना आया, 11 आया। और दोस्तों आपकी मैथ चाहे कितनी भी कमजोर हो या अच्छी हो,
कोई भी बता देगा यार, अगर 14 में से 3 जाते हैं, मतलब 14 में से अगर 3 जाते हैं तो आपके 11 ही बचते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से हमारा जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल राइट है, आंसर बिल्कुल राइट है, आप इसे वेरीफाई कर सकते हैं। चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ कैलकुलेटर पर, विंडोज कैलकुलेटर पर। और दोस्तों हम यहाँ से व्यू को जो है ना प्रोग्रामर पर सेट कर लेते हैं। और दोस्तों यहाँ से आप जो है वो सब्ट्रैक्शन और एडिशन का फॉर्मूला जो है वो इम्प्लीमेंट करके देखेंगे आपका आंसर आएगा, बस आपका क्वेश्चन डॉट में नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा पहला जो नंबर है वो है 111, जो कि बाइनरी में है, बाइनरी में है, मैं लिख लेता हूँ इसको, बाइनरी में है। और कितना है दोस्तों, 111 और 0। फिर दोस्तों मेरे पास यहाँ पर जो है सेकंड, मैं प्लस करता हूँ, मेरे पास सेकंड वैल्यू है 0011। तो दोस्तों 0 जो है वो कंप्यूटर लेता नहीं है, क्योंकि आगे की 0 का कोई मतलब नहीं होता। तो यहाँ पर मैंने लिखा 11। और दोस्तों मैंने जो है सॉरी इसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो मेरी पहली वैल्यू है 1110, मैंने यहाँ से माइनस किया और फिर दोस्तों 0 ये लेगा नहीं, तो मैंने यहाँ पर 11 कर दिया। और दोस्तों सम देखिए आप, तो देखिए दोस्तों हमारा आंसर कितना आया, 1011। तो दोस्तों हमारा यहाँ पर आंसर आ गया 1011। अगर दोस्तों अभी भी आपको जो है डाउट्स हो रहा है तो आप ऑनलाइन जा सकते हैं, और ऑनलाइन जो है दोस्तों हमने यहाँ पर एक आपको जो है वो दिया हुआ है, यहाँ पर आपके पास एक कैलकुलेटर होता है बेस कन्वर्टर। तो दोस्तों हम यहाँ पर जो है वो क्लिक करेंगे बेस कन्वर्टर पर, मैं इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ आपको दिखाने के लिए, ताकि आपको जो है वो अच्छे से यहाँ पर चीजें समझ में आ जाए। तो देखो दोस्तों यहाँ पर जो है वो हमने छोटा किया, और यहाँ पर हम जाते हैं बेस कैलकुलेटर पर। तो दोस्तों बेस कैलकुलेटर में जाने के बाद हमने करना क्या है, मैं इसको इधर रख लेता हूँ, जगह थोड़ी सी कम पड़ रही है। चलो मैं यहाँ पर दोस्तों आपको दिखा देता हूँ जी भाई, यहाँ पर जो है मेरा जो पहला नंबर, मेरे जो नंबर है वो है बाइनरी में, तो मैं बाइनरी को सेलेक्ट कर लेता हूँ। और फिर जो है दोस्तों यहाँ पर जो मेरा नंबर है वो है 1110। तो दोस्तों मैं यहाँ टाइप कर लेता हूँ 1110। फिर दोस्तों मेरे को यहाँ से क्या करना है, वो माइनस को सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। अब दोस्तों इसके बाद थोड़ा सा जरा मैं इसको नीचे करता हूँ, और दोस्तों यहाँ पर जो मेरा नंबर है वो सेकंड नंबर क्या है, 0011 0011। और दोस्तों अब मैं यहाँ से देखो कैलकुलेट करता हूँ, तो देखो दोस्तों मेरा आंसर क्या आया, 1011। तो दोस्तों मेरा यहाँ पर आंसर आता हुआ 1011। तो इस तरीके से दोस्तों आप ऑनलाइन भी जो है वो चेक कर सकते हैं अपने क्वेश्चन को, कि क्या हमारा आंसर जो है वो ठीक है या रॉन्ग है। तो दोस्तों इस तरीके से ये आपका आंसर बिल्कुल ठीक आया है, हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। तो आप दोस्तों इस फॉर्मूले का यूज करेंगे तो आपको किसी कैलकुलेटर या किसी मोबाइल की भी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको आंसर को वेरीफाई करने के लिए। अब चलिए दोस्तों ये तो हमारा बिल्कुल राइट हुआ, इसी तरीके से अब दोस्तों हम जो है वो यहाँ पर तीसरे क्वेश्चन को जो है वो दूसरे क्वेश्चन को अपना सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, अब हम इस वाले क्वेश्चन को यहाँ पर दोस्तों सॉल्व कर लेते हैं बिल्कुल आसान तरीके से, अब मैंने आपको सिखाई दिया है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है अगर हम इसे यहाँ पर उठा के रखते हैं, तो यहाँ पर हमारा 1011। तो दोस्तों जिसके नीचे 1 है उन्हें आपस में सम कर देना है, तो आप देख रहे हैं जी 8 4 12 और 1 13। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है इसका जो मतलब है दोस्तों यहाँ पर 13 है। उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं दूसरा नंबर है हमारा जो है वो है हमारे पास 1 1 1 और 0। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए इसका मतलब कितना है, तो 8 के नीचे तो 0 है, तो 4 के नीचे 1 है, 2 के नीचे 1 है, 1 के नीचे 1 है, तो 4 2 6 और 1 7। तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो मतलब है वो कितना है जी, 7 है। अब चलिए दोस्तों इसको आपको वेरीफाई करके दिखाते हैं आंसर को, क्वेश्चन को जो है हमने यहाँ पर डेसिमल को वेरीफाई किया बाइनरी से। अब दोस्तों क्वेश्चन का आंसर कैसे निकालेंगे वो देख लेते हैं। तो दोस्तों 1 और 1 कितना होता है, तो यहाँ पर आप देखें जब 1 में से माइनस होगा 1, तो दोस्तों यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा 0। चलो जी यहाँ पर 0 आ गया। अब दोस्तों जब 0 में से 1 माइनस होगा, तो 0 में से 1 माइनस होगा तो आपको पता है आंसर तो 1 आएगा, लेकिन 1 बोरो करना पड़ेगा। तो दोस्तों हमने क्या किया, यहाँ से जो है वो 1 को बोरो किया और 1 जो है वो यहाँ पर आ गया, अब यहाँ बचा 0, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है मैंने आपको जैसे कि पहले बताया हुआ है कि भाई यहाँ पर जो 1 और 0 है ना, एक्चुअल में उसका मतलब क्या है, तो इसे अगर आप 1 और 0 को यहाँ रखेंगे तो दोस्तों इसकी जो रियल वैल्यू है वो 2 आएगी, क्योंकि हमने आपको बताया जिसके नीचे 1 होता है वही सम होता है। तो दोस्तों 2 में से अगर 1 जाएगा तो आपका यहाँ पर आंसर 1 ही आएगा। कोई भी यूट्यूबर जल्दी से आपको इस फॉर्मूले को नहीं बताएगा, वो ये तो बता देगा कि 0 और 1 की वैल्यू 2 होती है, लेकिन कैसे होती है नहीं बताएगा। अब उसके बाद आप दोस्तों देख रहे हैं कि यहाँ पर फिर से 0 बचा और यहाँ पर 1 है, तो 0 में से अगर 1 जाएगा तो आपका 1 आएगा, लेकिन बराबर से आपको कैरी लेना पड़ेगा। तो दोस्तों हमने क्या किया,
जी भाई यहाँ से जो है वो कैरी ले लिया और यहाँ पर 1-0 आ गया और यहाँ पर दोस्तों हमारा जीरो बचा। तो दोस्तों 1-0 में से 1 जाएगा तो 1 आ जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों हमारे पास बचा है 0, तो दोस्तों 0 में से 0 जाएगा तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 0। तो इस तरीके से अब दोस्तों हमने ये आंसर जो है यहाँ पर ले लिया है। अब दोस्तों हम इसे यहाँ पर जो है ना अपने आंसर को वेरीफाई करते हैं। तो दोस्तों हमारे पास यहाँ पहली डिजिट से 0, दूसरी है हमारे पास 1, फिर हमारे पास 1 है और फिर हमारे पास यहाँ पर जो है वो 0 है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं 4 और 2 के नीचे ही 1 है, तो यहाँ पर जो है वो दोस्तों हमारा जो आंसर है वो यहाँ पर आ जाएगा, हमारे पास जो है हमारा आंसर आ जाएगा 6। तो हमारे पास यहाँ पर आ गया 6। अब दोस्तों अगर आप 13 में से 7 को माइनस करेंगे, 13 में से 7 को माइनस करेंगे, तो दोस्तों हमारे पास जो है वो ओनली 6 ही आने वाला है, आपको पता ही होगा यार, है ना। तो अब इसको मैं ऑनलाइन जो है वो आपको वेरीफाई करके दिखाता हूँ आंसर को। तो चलिए हम चलते हैं दोस्तों अपने कैलकुलेटर पर और हम इसे इधर रख लेते हैं। हमारा जो है बाइनरी को सेलेक्ट करते हैं, हमारा जो फर्स्ट नंबर है दोस्तों वो है 1101। सेकेंड नंबर दोस्तों हमें क्या करना है, माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। सेकेंड नंबर जो है वो दोस्तों 0111 और दोस्तों इसके बाद यहाँ पर कैलकुलेट पर बटन दबा देंगे। तो देखिए दोस्तों हमारे पास जो आंसर आया वो 110। तो दोस्तों फर्स्ट वाला जो 0 है, चाहे आप ये लिखें या ना लिखें, इसकी कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि ये सम तो होना ही नहीं है। तो दोस्तों इतना आंसर भी ठीक है और ये आप पूरा लिखते हैं तो भी ठीक है। तो यहाँ पर आपने देखा दोस्तों किस तरीके से हमने अपने आंसर को वेरीफाई किया। तो दोस्तों हमारा जो क्वेश्चन है और हमारा जो आंसर है वो बिल्कुल राइट आंसर है। आप आंख बंद करके इसे लिख सकते हैं, एग्जाम में इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं, आपके आंसर को कोई भी जो है वो काटने वाला नहीं है। अब दोस्तों इसके बाद चलते हैं अपने डॉट वाले क्वेश्चन के ऊपर। तो देखो दो डॉट वाले क्वेश्चन में जो है वो हम किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर जो है फॉर्मूला हमने वही इम्प्लीमेंट करना है, आपको टेंशन लेने की बात नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो है वो आपको थोड़ा सा माइंड ज़्यादा यूज करना पड़ेगा, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन यहाँ पर लिया है। अगर दोस्तों ये क्वेश्चन आपने अच्छे से सॉल्व करना सीख लिया तो ये समझो कि सब्ट्रैक्शन में जो है वो आपको टेंशन फ्री हो जाएंगे आप। तो दोस्तों इसको बड़े ध्यान से समझना। तो दोस्तों यहाँ पर करना क्या है, जैसे 0 में से अगर हम 1 को माइनस करेंगे तो आपको पता है यार आंसर तो 1 आएगा, लेकिन पड़ोसी से हमने 1 को बोरो करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ से जो है वो 1 को यहाँ पर बोरो कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ तो हमारा 1 और 0 हो गया और यहाँ पर हमारा 0 बचा। तो दोस्तों एक्चुअल में आपको पता है 1 और 0 की जो वैल्यू है ना दोस्तों वो 2 होती है, क्योंकि अगर हम इसे इस टाइप से यहाँ पर लिखते हैं इसको, तो आप देख रहे हैं कि 2 के नीचे 1 है और 0 के नीचे 1 है, तो यहाँ पर जो है वो 2 आ जाएगा। ये मैं आपको स्टार्टिंग से बताता चला आ रहा हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा 1 आया, अब यहाँ पर हमारा बचा 0। तो दोस्तों अब यहाँ पर क्या होगा जी यार, ये 0 में से 1 जब हमारा जाएगा, तो 0 में से 1 जाएगा तो यहाँ भी 1 बचेगा, लेकिन हमारा बोरो हमें क्या करना पड़ेगा, पड़ोसी से बोरो करना पड़ेगा। सॉरी। अब दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं जी यार, पड़ोसी के पास तो 1 है ही नहीं, तो मैं बोरो कहाँ से करूँ। तो दोस्तों कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेना है, पड़ोसी अपने पड़ोसी को कॉल करेगा, वो कह रहा है भाई साहब मैं तो कुछ 0 हूँ, मैं आपको कहाँ से 1 दूँ। वर्ड ही बोलेगा रुको मैं अपने पड़ोसी से पूछता हूँ। तो ये अब अपने यहाँ पड़ोसी से पूछेगा कि यार क्या तेरे पास 1 है, मेरे को चाहिए। तो ये बोलेगा बिल्कुल भाई मैं तो 1 ही हूँ, तुम ले लो। तो यहाँ से जो है ना दोस्तों देखो, ये 1 जो है वो यहाँ से यहाँ बोरो होगा और यहाँ पे आ जाएगा 0। अब दोस्तों यहाँ 1 आ गया, तो यहाँ से अब 1 यहाँ बोरो हो सकता है। तो दोस्तों अगर ये यहाँ से जो है, मैं चलो दूसरे कलर का यहाँ पर यूज करता हूँ, अगर दोस्तों यहाँ से 1 बोरो हुआ और यहाँ पर आ गया, तो अब दोस्तों यहाँ 0 बचेगा या 1 बचेगा वो आप मेरे को बता दो, है ना। अगर दोस्तों आपने इस क्वेश्चन का मेरे को आंसर दे दिया तो समझो आपको यार सब्ट्रैक्शन आता है, अगर नहीं दिया तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि यहाँ पर क्या बचेगा। कुछ का आंसर होगा 0, बिल्कुल रॉन्ग, 0 आ ही नहीं सकता। उसका रीजन क्या है, उसका रीजन मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ, इतनी देर से मैं बताता चला आ रहा हूँ, इस फॉर्मूले को रट लो। तो दोस्तों यहाँ पर जो है वो वैल्यू क्या है, 1 और 0, तो यहाँ लिखो 1 और 0। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको बता रहा हूँ कि 1 और 0 का मतलब क्या है, कि 2 के नीचे 1 है, तो जिसके नीचे 1 होता है वही सम होता है, 1 के नीचे 0 है तो 1 तो सम होगा नहीं, तो 2 का 2 आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो ये 1 और 0 है ना, इसकी एक्चुअल वैल्यू 2 है, ना कि 0 और 1, तो इसकी एक्चुअल वैल्यू 2 है। जब इस 2 में से एक 1 यहाँ चला गया तो यहाँ कितना बचेगा, यहाँ भी 1 बचेगा। आया समझ में, नहीं आया तो वीडियो को रिपीट करके देखो। उसके बाद जब यहाँ पर 1 और 0 आ गया,
तो अब इस वाले वन और जीरो में से मैं क्या करूंगा, फिर यहां से बोरो करूंगा और यहां पर वन लेके जाऊंगा, तो यहां कितना बचेगा, जैसे कि आपको मैंने बताया जी वन और जीरो है तो इसकी रियल वैल्यू जो है वो कितनी है, टू है। तो दोस्तों यहां पर कितना बचेगा, अब टू में से वन इधर चला गया तो यहां वन ही तो बचेगा, तो यहां पर भी वन बचेगा। अब यहां पर हमने करना क्या है, जी यहां पर भी हमारी सेम यही वैल्यू है, तो आपको पता है जी भाई जीरो में से वन जाता है, हमारे पास कैरी आ गया, तो यहां पर हमारे पास बचा वन। अब दोस्तों यहां भी वन है और नीचे भी वन है, तो यहां पर जब वन में से वन जाएगा तो कितना बचेगा, जीरो, तो यहां पर आ गया जीरो। अब उसके बाद यहां पर जो डॉट है, डॉट ऐसे का ऐसे यहां पर आ जाएगा। अब यहां भी मेरे पास वन है ऊपर और नीचे वन है, तो वन में से वन जाएगा तो कितना आएगा, जीरो, तो यहां भी मेरे पास जीरो आ गया। अब यहां पर फिर से मेरे पास जीरो है, नीचे वन है, तो जीरो में से वन तो जा नहीं सकता, मेरे को पड़ोसी से क्या लेना पड़ेगा, बोरो करना पड़ेगा। तो यहां पर जैसे कि फिर से हम उसी फॉर्मूले का यूज करेंगे, तो भाई यहां पर तो वन है नहीं, तो ये क्या करेगा, अपने पड़ोसी को कॉल करेगा, तो यहां से जब ये बोरो करेगा तो यहां पर तो वन जीरो हो जाएगा और यहां पर बचेगा जीरो। तो दोस्तों वन और जीरो का मतलब कितना होता है, वन और जीरो का मतलब आप यहां देख सकते हैं जी, वन और जीरो का मतलब होता है टू। तो ये क्या करेगा, यहां से जो बोरो, यहां से वन तो दे देगा पड़ोसी को और अपने पास वन को रोक लेगा। तो यहां पर अब क्या हो गया, वन और जीरो हो गया, तो वन और जीरो में से अगर वन जाएगा तो आपको पता ही है जी भाई वन आएगा, हमने बोरो कर लिया पड़ोसी से तो वन आ गया। अब यहां पर दोस्तों बचा मेरे पास वन, तो वन में से अगर वन जाएगा तो कितना आएगा, जीरो आएगा, ये रहा जी जीरो। और दोस्तों यहां तो था ही जीरो पहले से, तो ये मेरा जीरो का जीरो ऐसे ही यहां पर आ गया। तो दोस्तों इस तरीके से मेरा जो है वो आंसर निकल के आया, तो आपको इस फॉर्मूले को याद करना बहुत जरूरी है, कैसे हम पड़ोसी से बोरो कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए मैं आपको चलता हूं ऑनलाइन कैलकुलेटर पर लेकर, और मैं यहां पर आपको इसे वेरीफाई करके दिखाता हूं। तो मेरा यहां से सेलेक्ट करूंगा बाइनरी, मेरा जो यहां पर पहला नंबर है 1010, तो 1010, उसके बाद डॉट है, मैंने डॉट लगाया यहां पर, फिर है 010, तो 010 यहां पर मैंने लिख लिया। सबट्रैक्शन कर रहा है, माइनस का सेलेक्ट करूंगा, फिर दोस्तों उसके बाद यहां पर मेरा 11 है, तो आप नीचे देख सकते हैं मेरे पास क्या है जी, 11 है, फिर ट्रिपल एक और वन है, उसके बाद दोस्तों डॉट है, फिर मेरे पास ट्रिपल वन है। और दोस्तों यहां से मैं कैलकुलेट कर देता हूं, तो देखो दोस्तों मेरे पास आंसर क्या आया, 10.011। तो दोस्तों इन्होंने जो मेरे को आंसर दिखाया ना, वो सिर्फ मेरे को इन्होंने यहां से यहां तक का आंसर दिखाया है ना, आप देख सकते हैं यहां पर जो है, आप देख सकते हैं जी भाई इन्होंने जो है जो मेरे को आंसर दिखाया वो कितना दिखाया, 10.011, मतलब कि 10.011 इतना आंसर दिखाया। क्योंकि दोस्तों स्टार्टिंग में आप जीरो लगा लो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, हैं, चाहे आप लगाओ या ना लगाओ। अगर दोस्तों आप पूरा आंसर लिखते हैं तो भी राइट है, और आप आगे वाले जीरो को छोड़ देते हैं तो भी आपका आंसर बिल्कुल राइट है, ठीक है। तो दोस्तों इस तरीके से हमने जो है वो आपको आंसर को वेरीफाई करके दिखाया, और दोस्तों आप जो है इस क्वेश्चन को अपने ऑनलाइन, ये मैंने आपको बताया थी ऑनलाइन वेबसाइट है, इसका नाम है rapidtables.com, यहां पे जाने के बाद आप बेस कैलकुलेटर का यूज कर सकते हैं, ठीक है। एडिशन, सबट्रैक्शन, इसके अंदर सब कुछ है, ठीक है, डिवीजन वगैरह सब कुछ है इसके अंदर। तो आप इस कैलकुलेटर का यूज करके अपने आंसर को जो है वेरीफाई कर सकते हैं। अब दोस्तों स्टार्टिंग में जीरो क्यों छोड़े, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये 10 है, तो अगर दोस्तों यहां पर ये 10 है, अगर मैं यहां पर ये इसके आगे जीरो लिख देता हूं तो इसकी वैल्यू फिर भी 10 रहेगी, इसको हटा देता हूं तो भी इसकी वैल्यू 10 है, लेकिन अगर मैं पीछे वाली वैल्यू हटा देता हूं तो इसकी, इसका मतलब हो जाएगा 1, और अगर मैं पीछे एक और जीरो लगा देता हूं सॉरी तो इसका मतलब हो जाएगा 100। तो इसलिए दोस्तों आगे की जीरो लगाओ या हटाओ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो दोस्तों आप इस फॉर्मूले का बिल्कुल जो है याद कर लें, आपके पास चेक कैलकुलेटर की जो है आपके पास हेल्प है या नहीं है, फिर भी आप अपने आंसर को जो है वो आसानी से वेरीफाई कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों आप हमारी वीडियो को जो है वो शेयर करें, हमारी वीडियो पे कमेंट करना ना भूलें, हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और दोस्तों साथ में हमारे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए और भी अच्छा जो है वो टॉपिक लेके आने वाले हैं, जो कि बाइनरी डिवीजन वगैरह के हम जो है रिलेटेड से लेके आएंगे। थैंक यू फॉर